तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर परमुटेशन और उसके बाद कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे ज्योमेट्री में, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने काफ़ी टेक्निक सीख ली है लेक्चर 5 तक, तो आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर परमुटेशन। तो जैसे कि नाम बता रहा है, सर्कुलर परमुटेशन का सिंपल सा मतलब है कि अभी तक हमने जो भी अरेंजमेंट किए वो सारे अरेंजमेंट मेरे कहाँ पे हो रहे थे, एक रो के अंदर, क्यू के अंदर। ठीक है, अब हम एक सर्कल में अरेंज करने वाले हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा सर्कल में अरेंज करने से, उसको समझने से पहले अपन देखते हैं कि मान लो तीन लेटर्स हैं ए बी सी। ठीक है, इनको अगर आपस में आप अरेंज करो तो आप कितने परमुटेशंस बना सकते हो, 3 फैक्टोरियल। कैसे? ए बी सी, ए सी बी एंड बी सी ए, बी ए सी, सिमिलरली सी ए बी, सी बी ए। अब देखिए, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो जैसे हमने पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन डाल दिया, परमुटेशन डाल दिया ए बी सी, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से मैंने इनको रखा, ए बी एंड सी। अब देखो, अगर आप ए बी सी लेते हो तो ये वाला गया, बी सी ए लेते हो तो फिर ये वाला गया, एंड अगर मैं सी ए बी लेता हूँ तो फिर मेरे पास ये वाला गया। मतलब ये जो तीनों परमुटेशन है जो रो में मेरे को अलग अलग दिख रही है, वो सर्कल में एक ही है, एक ही केस की तरह काउंट हो रही है। सिमिलरली ए बी सी, अभी देखो मैंने इसको कैसे लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज लिया था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर अब देखो पैटर्न, देखो ए सी बी ये गया, सी बी ए लास्ट वाला भी गया, एंड बी ए सी ये भी गया। मतलब ए सी बी एंड बी सी, बी ए सी और सी बी ए, ये तीनों भी क्या हो रहे हैं, एक ही केस की तरह काउंट कर रहे हैं। मतलब जो केस रो के अंदर दिखाई दे रहे हैं कितने, 6, वो चीज़ सर्कल में मेरे को कितनी दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 केस। ठीक है, और स्टेब्लिश करते हैं, इसका मतलब कहने का था कि यहाँ पे हर एक केस 3 बार रिपीट करता है अगर सर्कल में देखा जाए तो एक्चुअल नंबर ऑफ आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और देखते हैं, मान लो ये 4 लेटर होते हैं, तो देखो अगर इनको साइक्लिक ऑर्डर से घुमाया जाए तो बी सी डी ए, ठीक है, सी डी ए बी, देन डी ए बी सी। तो ये चारों केस जो कि रो में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, चारों केस क्या है मेरे पास, सेम ही है, 4 केसेस इन रो वाइज अरेंजमेंट, बट सर्कल में क्या है, ये सब सर्कल में ऑल सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, साइक्लिकली इनको घुमा लिया जाए तो, जिसका मतलब अगर आप हर एक केस 4 बार रिपीट हो रहा है, तो अगर इनको रो में अरेंज करते हो तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें हर एक केस 4 बार रिपीट हो गए, इसको डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। अब इन जनरल अगर इसको देखा जाए तो मान लो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड ए एन। ठीक है, तो इसको अगर साइकिल में घुमाओ तो मेरे पास एक ए टू से साइकिल शुरू होगी, यहाँ पे आ जाएगा ए एन, फिर लास्ट में हो जाएगा मेरे पास ए वन, फिर ए थ्री से सिमिलरली ए एन, ए वन, ए टू, इस तरह से लास्ट में जाके ए एन माइनस वन। तो ये जो एन केसेस हैं जो कि रो में मेरे पास अलग अलग दिखाई देते हैं, सर्कल में इन सब का क्या करेगा, ओनली 1 केस, क्योंकि इनको घुमा घुमा के आप जनरेट कर सकते हो, तो सर्कल में सब के सब एक ही है, ओनली 1 केस। तो एक्चुअल में हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, अगर आप सर रो में चलते तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ अपन ने डिराइव कर ली, क्या परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इन ए सर्कल, क्या था अपने पास आंसर,
वो आंसर आता है दोस्तों एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन, दैट इज एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो कुछ भी अलग नहीं है, जैसे रोम अरेंज कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एन में से अगर एन चीज़ों को अरेंज कर रहे हो तो अपने वो लिखना क्या, एन माइनस वन फैक्टोरियल। जो चीज़ दो में एन फैक्टोरियल लिखी जाती है वही चीज़ सर्कल में क्या लिखी जाएगी, एन माइनस वन फैक्टोरियल। पांच ऑब्जेक्ट्स से सर्कल में अरेंज करने, दैट विल बी फाइव माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। जब भी अरेंज कर रहे हो डिफरेंट चीज़ों को, पांच चीज़ें अरेंज करो चार फैक्टोरियल, दस चीज़ें अरेंज करो दस माइनस एक नौ फैक्टोरियल। ठीक है, कोई लोड नहीं है। तो आपको समझ में आए कैसे काम कर रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। एक और क्लोज इसमें ऐड कर देता हूँ, इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर कंसीडर्ड सेम, समझे आप, तो उस केस में मेरे पास कन्वर्टेशन क्या हो जाएगी, अगेन दोनों केस से मुझे आधे हो जाएंगे। इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल हो जाता है मेरे पास, अरेंजमेंट ऑफ बीड्स इन ए गार्लैंड। ठीक है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। एक और अपन देखेंगे, तो मैं अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, अरेंजमेंट ऑफ बीड्स इन ए गार्लैंड। ठीक है, क्योंकि देखो इसको जब गार्लैंड अपन पहनते हैं तो उसको चाहे आप ऐसे पहनो या पलट के पहनो वो सेम ही लगेगी आपको, इसलिए उसके इस तरह के अरेंजमेंट देखो, क्लॉकवाइज या फिर उसके एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखो, सिमेट्रिक होने चाहिए तभी वो गार्लैंड कहलाएगी, सिमेट्रिक होने की वजह से। इसलिए इस केस में हमारे पास अरेंजमेंट क्या हो जाता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू। ओके, इसको और अच्छे से एस्टैब्लिश करी थी थ्योरम को, फिर हम एग्जांपल्स करते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इन ए सर्कल टेकन आर एट ए टाइम। तो ध्यान है, आप जब परमोटेशन पढ़ रहे थे अपना एनपीआर लिखा था, तो यहां पे क्या बनेगा, आर एट ए टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एन चीजें, ठीक है, उसमें साहब क्या करेंगे, एक बार में आर चीजें उठाएंगे और उनको अरेंज कर देंगे सर्कल के अंदर। तो पहला स्टेप, एन में से आर सेलेक्ट किए और उसको सर्कल में डाला। अब आर चीज़ों को सर्कल में अरेंज करोगे तो अपने को क्या करना है, आर माइनस वन फैक्टोरियल। इजी, समझे आप, तो सारी थ्योरम्स रेडी हो गई है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 students can be seated around a circle if पहला केस no condition। कितने लोग अरेंज हो रहे हैं बच्चों, 10। ठीक है, तो सर्कल में अरेंजमेंट कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, 10 माइनस वन फैक्टोरियल विच इज 9 फैक्टोरियल। इजी, सेकेंड केस, इफ नो वन हैज सेम नेबर्स इन एनी टू परमुटेशन। सबके कोई भी नेबर सेम नहीं होना चाहिए। अब देखो ये स्टेटमेंट जैसे डाली जाती है तो इसका क्या मीनिंग निकलता है, बेसिकली जैसे मैं सेंटर में बैठा हूँ, मेरे लेफ्ट में सुरेश बैठा है, मेरे स्क्रीन में आपको शायद उल्टा दिखाई दे, ठीक है, तो मेरे लेफ्ट में सुरेश बैठा है और राइट में नीलेश बैठा है, ठीक है, लेकिन इनको अगर मैं स्विच कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरा कैसे पैटर्न होगा, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है, सुरेश आकाश नीलेश,
ठीक है। और इसको अगर मैं ऐसे पढ़ूँ तो नीलेश सुरेश, नितेश आकाश एंड सुरेश, इसका मतलब इन दोनों को मैंने स्विच कर दूँ तो भी ये दोनों केस सेम ही माने जाएंगे। तो एक तरह से क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम, आर सेम। तो अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आधे कर देंगे केसेस को, 9 factorial divided by 2। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर लो सर्कुलर परम्यूटेशन पे, फिर हम बढ़ते हैं स्पेशल अरेंजमेंट स्पेशल सिलेक्शंस विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए दोस्तों अपना वही फेवरेट क्वेश्चन उठाते हैं, 4 girls and 4 boys। ठीक है, गर्ल्स मान लेते अपनी G1, G2, G3, G4, बॉयज़ मान लेते B1, B2। जो हमने क्वेश्चन स्पेशल अरेंजमेंट में किया था परम्यूटेशन में, वही हम चीज़ अब इसको सर्कल में करने वाले हैं। नंबर ऑफ वेज टू मेक देम सिट, अराउंड ए सर्कल इफ, पहले कंडीशन, पहला पार्ट सिंपल केस, नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है तो हमारे पास टोटल 8 लोग हैं, 8 people, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको सर्कल में, 8 minus 1 factorial, सिंपल। जब भी आप सर्कल में अरेंज करो -1 factorial कर दो, दैट्स इट, और कुछ चेंज है ही नहीं, बाकी सारा लॉजिक सब कुछ कॉन्सेप्ट वैसे का वैसे ही जैसे हम रो में अरेंज कर रहे थे। ठीक है, गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, सारी सारी गर्ल्स को एक साथ अरेंज करना है, तो ध्यान है अपन क्या करते थे, स्ट्रिंग मेथड लगाते थे इसमें। ठीक है, ऑलवेज टुगेदर, तो क्या है मेरे पास ये सारे गर्ल्स को हमने एक साथ बांध दिया, मतलब ये एक यूनिट की तरह ट्रीट होंगे, G1, G2, G3, G4, बाकी बचे बॉयज अलग अलग यूनिट्स हैं। टोटल मेरे पास 5 units हो गई हैं, 5 units हो गई हैं, तो इनको सर्कल में अरेंज किया कितने तरीके से, 5 minus 1 factorial, और गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती कितने तरीके से, 4 factorial। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 4 factorial 4 factorial। अगला केस देखते हैं, गर्ल्स ऑलवेज सेपरेटेड, सेपरेटेड का मीनिंग पता आपको, कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब बॉयज़ के बीच बीच में डालना है इनको। तो पहले अपन क्या कर देंगे, बॉयज़ को अरेंज कर देंगे, 4 boys को अरेंज कर दिया सर्कल के ऊपर कितने तरीके से, 4 boys। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास, 4 minus 1 factorial, दैट इज 3 factorial। ठीक है, और गर्ल्स को इनके बीच बीच में गैप कितने बन रहे मेरे पास, 4, तो 4 ही गैप है, तो 4C4 सिर्फ गैप सेलेक्ट किए और 4 गैप में 4 गर्ल्स को डाल दिया, 4 factorial। अब इस बात का ध्यान रखना, मैं गैप में अरेंज कर रहा हूँ, अभी 4 जो पोजीशन बनी है मेरे पास, ये 4 distinct है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 पोजीशन पे 4 गर्ल्स को डाल रहा हूँ, इसलिए 4 factorial लिख रहा हूँ। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या हो गया, 3 factorial 4 factorial। अब अगला केस देखिए, इंटरेस्टिंग है, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ सेपरेटेड, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर सेपरेटेड, अब इसमें देखो रो के केस में ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अलग अलग आया था, लेकिन यहाँ पे जैसे तुम बॉयज को सेपरेट करते हो या गर्ल्स को सेपरेट करते हो दोनों में से किसी भी एक को, तो देखो ऑटोमेटिकली इन्हीं पोजीशन पे दूसरे मेंबर आएंगे, बॉयज को पहले अरेंज किया तो गर्ल्स यहाँ पर आएंगे, गर्ल्स को पहले अरेंज किया तो बॉयज यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये वाला केस बनाते हो ऑटोमेटिकली गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं, तो इस केस में सेम आंसर आएगा, 3 factorial 4 factorial। अब डिफरेंस किस वजह से पैदा हो रहा है कि ग्रुप में रो के अंदर अपने पास 5 गैप बनते थे 4 लोगों को डालने के बाद, यहाँ पे 4 ही केस बन रहे हैं। ठीक है ना,
तो जो सीक्वेंस हम बोलते हैं बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल या गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, वो दोनों सेम ही है सर्कल के अंदर। आप गर्ल से चालू करोगे तो गर्ल्स वाली सीक्वेंस दिखेगी, बॉय से चालू करोगे तो बॉयज वाली सीक्वेंस दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, ठीक है ना। दोनों केस सेम है, इस पर आप अच्छे से गौर करिएगा। नेक्स्ट केस, गर्ल G1 ऑलवेज एडजेसेंट टू G2 एंड G3। तो कैसे किया था अपन ने इसको, G1 को बीच में डाला, G2 G3 को आजू बाजू में, और इनको साथ में रखना था, एक यूनिट मान ली। बच्चे मेरे पास 5 और लोग, तो बच्चों टोटल यूनिट्स कितनी होगी अपने पास, 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6। अब 6 यूनिट्स को सर्कल में डालोगे, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये G2 G3 तो आपस में घूम ही सकती है, तो इनका 2 फैक्टोरियल लगा दिया जाए, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इजी। और देखिए, बॉय B1, सेम वही केस डिस्कस कर रहा हूँ, नेवर एडजेसेंट टू B2 और B3, दोनों में से किसी भी एक के साथ में ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं कि मैं ये वाला केस भी नहीं चाहता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से सेट P, दूसरा सेट बोल देता हूँ Q, दैट इज़ मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि B1 B3 साथ में बैठे, और साथ साथ हम ये भी नहीं चाहते कि B1 दोनों के साथ में बैठे और लगाए, दोनों में से वाला केस भी मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और इसको क्या बोलेंगे अपन, P इंटरसेक्शन Q, दोनों का केस। तो बेसिकली अपन चाह क्या रहे, ना तो P हो ना ही Q हो, ठीक है। तो इसको हमने देखो स्टार्टिंग में भी कैलकुलेट किया था, फर्स्ट लेक्चर में भी, तो डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में अप्लाई करते हैं, वैसे ही करते हैं अपन, दोनों में नहीं है इसका मतलब उनके यूनियन में भी नहीं होगा, दोनों में ही नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, टोटल माइनस एन ऑफ पी यूनियन क्यू। तो टोटल तो आपको पता है स्टार्टिंग में ही निकाले थे मैंने, 8 माइनस 1 विच वॉज 7 फैक्टोरियल, ये आ गया मेरे पास एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। सो ये क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल माइनस एन पी, एन पी मतलब बी वन बी टू को साथ में कर दिया, और इनके अलावा 6 यूनिट और, तो टोटल 7 यूनिट्स हो जाएंगी। 7 यूनिट्स को सर्कल में डाला, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, और बी वन बी टू को आपस में अरेंज कर सकते 2 फैक्टोरियल। सेम केस क्यू के केस में भी आएगा, तो 2 इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है। माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू, ये आपने भी ऑलरेडी निकाला है, G1 G2 वाला ही केस ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको देख सकते हो वापस, B1 जो है B2 B3 के बीच में एग्जैक्टली, तो इस तरह से केस मेरे पास आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बना, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कॉमन लेके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ओके। अब लास्ट केस क्या करा था अपन ने, देखो कि B1 G1 है, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमेशा साथ में, ऑलवेज टुगेदर, एंड नो बॉय शुड सिट बिसाइड द कपल। अब याद करो मैंने रो में क्या केस बनाए थे, 2 केस बनाए थे, कॉर्नर सीट और नॉन कॉर्नर सीट। अब सर्कल के अंदर कॉर्नर सीट जैसा तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि अपना सर्कल सर्कल में कोना होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तब आपके पास एक ही केस बचता है कि B1 G1 को साथ में करो, आजू बाजू में गर्ल बैठाओ, और इस पूरी यूनिट को इकट्ठा मान लो, तो बचेंगे मेरे पास 4 लोग, 1 गर्ल और 3 बॉयज, फिर इनको अरेंज करते रहना। तो पहले 2 गर्ल्स को लिया आजू बाजू में बैठने के लिए 3C2, ठीक है ना, एक तो ऑलरेडी बैठी हुई B1 के साथ, बची 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स छठी 3C2, और ये यूनिट बना दी। तो मेरे पास 5 यूनिट को सर्कल में डालना है, दैट विल बी 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो सेम लॉजिक है,
पर जब भी आप सर्कल में जाओगे तो बस n माइनस वन फैक्टोरियल करना है। अरेंज हो गए, इन दोनों गर्ल्स को आपस में कर सकते हो 2 फैक्टोरियल, दोनों बॉय गर्ल को आपस में कर सकते हो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई रो में अरेंज किया ए आंसर आया, सर्कल में अरेंज किया बी आंसर आया, तो दोनों का डिफरेंस बताओ या दोनों का रेशियो बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको सर्कल में स्पेशल अरेंजमेंट कैसे अप्लाई करने ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस की तरफ। तो दोस्तों अभी तक के लेक्चर में हमने बात की सर्कुलर कम्यूटेशन पे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन। अगेन काउंटिंग ही करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस सब्जेक्टेड टू शेप्स, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं काउंटिंग के अंदर। साथ के साथ उम्मीद करो आपने अभी तक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, अगर साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आगे आने वाले सवाल ज़्यादा कर पाओगे, आसान लगेंगे आपको। सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। लेट्स से देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, 10 पॉइंट ले लेते प्लेन में और साथ साथ ऐड कर रहा हूँ, सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। क्या मतलब निकला इस बात का? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। मतलब ये 2 पॉइंट ले लिए, इनसे एक अलग लाइन बनेगी और तीसरा पॉइंट इस लाइन पे है नहीं तो ये अलग लाइन बनाएगा। मतलब हर 2 का कॉम्बिनेशन आपको एक अलग लाइन जनरेट करके देगा, ऐसा मान सकते हो। तो फिर यही सेम हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में भी लिया था जब हमने पीएनसी बिल्कुल भी नहीं सीखी थी, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स में स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, अब उसको सिंपली हम फॉर्मुलेशन नोटेशन से निकालने वाले हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितनी बनेंगी इससे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स। तो अपने को पता है कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ोगे उनको ज्वाइन करोगे तो हर बार नई लाइन बनती जाएगी। जितने तरीके से आप 2 पॉइंट छाट सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में उतनी स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएंगी, दैट विल बी 45। कोई समस्या? चलिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स ही होते नॉन कोलिनियर, तो 10C3 सोल्व करने इसको 10 9 8 upon 3 2 1। ओके 3 4 ये आ गया मेरे पास 120। ठीक है, बिल्कुल आसान था। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी 2 पॉइंट छाटो ट्राइंगल के लिए, 3 पॉइंट छाटो, 3 पॉइंट छाटो ज्वाइन कर दो, आपके पास क्या बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, बस मैं थोड़ा सा पेज डाल देते हैं, कंसिडर करते हैं। चलिए हमारे पास 15 पॉइंट्स है। ठीक है, कितने पॉइंट ले लेता हूँ मैं, 15 पॉइंट्स, ये ध्यान से समझना है, 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 5 ऑफ देम लाई ऑन ए सेम लाइन। आउट ऑफ रिमेनिंग बचे हुए अपने पास कितने बच गए, 10 बच गए, आउट ऑफ रिमेनिंग नो 3 आर कोलिनियर। तो डाटा सबके समझ में आ गया, 15 पॉइंट है अपने पास टोटल, 5 एक ही लाइन पे है, बाकी 10 इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उनमें से हर एक 2 पॉइंट से अलग स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो चलिए देखिए, तो मैं इसको ऐसे सोच सकते हो आप, नॉन कोलिनियर पॉइंट दिखाने तो सबसे आसान तरीका क्या है, कर्व पे दिखा दो उनको। तो ये 15 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स हो गए मेरे पास कर्व पे, बचे पॉइंट 5 वो सेम लाइन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यूनिक स्ट्रेट लाइंस
फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो सीधा अगर आप 15 सी टू कर दोगे तो नंबर तो आपको ऑब्वियस ही बात है 105 आना चाहिए था आंसर, बट वो गलत होगा। क्यों? वो इसलिए कि अगर आपने यहाँ से कोई भी दो पॉइंट छाटे, ये छाटो ये छाटो या ये दोनों छाटो या ये दोनों छाट लो, हर बार आपको सेम स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मतलब इन पांचों में से कोई भी दो पॉइंट छाटते हो तो हर बार आपको लाइन कितनी मिलती है? एक ही। तो मैंने क्या किया, ये सारे बोगस केस सबट्रैक्ट कर दिए -5C2। मतलब इन पांचों से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन बनाते तो 10 लाइनें मिल सकती थी मेरे को, फिर मिलेंगे कितनी? सिर्फ एक। तो सारी 10 हटा के मैंने क्या किया, सिर्फ एक काउंट किया। देखो ये स्टेप एक्स्ट्रा किया है, इसको ध्यान समझ लेंगे हम। और यही चीज़ अगर मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होंगी? सेम 15C3 से अगर आप काउंट कर लेते तो आप तो 70 ही ट्राइंगल काउंट कर रहे हो। लेकिन सोचो अगर यहाँ से कोई भी तीन पॉइंट छाट के आपने ट्राइंगल बनाने की कोशिश की तो बना पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो यहाँ से कोई भी तीन पॉइंट छाटे तो सारे केस बोगस थे। ठीक है, 15C3 से तो टोटल केस आ गए, -5C3 मैंने बोगस केस सब्ट्रैक्ट कर दिए। आंसर देख लो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 105 -10+1 दैट इज 96। और 15C3 का वैल्यू कितना हो गया, 1514/12। ये तो हो गया मेरे पास कितना, 105 × 15 14 13/321। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास सोल्व करके 5735 × 13। तो ये हो गया 455 - 10 दैट इज 445। ठीक है, अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये दोनों तरीके अपने अच्छे से दिमाग में आने चाहिए, इन दोनों को ही अप्लाई करते हैं हम। तो देखिए मेरे पास दो तरह के पॉइंट्स थे, इन सारे 15 पॉइंट्स को मैं दो सेट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक सेट तो कौन सा जिसमें सारे पॉइंट्स कैसे हैं, कोई भी तीन पॉइंट जिसमें कोलिनियर नहीं है, ठीक है, जो कि कर्व पे है, ऐसा अपन एज्यूम कर लिया था। ठीक है, ये 10 पॉइंट, तो ए सेट है जिसमें कितने पॉइंट है मेरे पास, 10, जो कि सारे आइडियल केस जनरेट करते जैसे कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। और बी सेट में इन 5 पॉइंट्स को ले लेता हूँ जो कि सारे एक लाइन पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितनी बन सकती है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए थे अपने को, दो पॉइंट। तो आप दो यहाँ से छाट लो, यहाँ से कुछ मत छाटो, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, यहाँ से जीरो, यहाँ से दोनों छाट लो। यही तीन केस हो सकते सिलेक्शन के। तो ये हो गया आपके पास 10C2, क्योंकि ऊपर से कोई भी दो पॉइंट छाटोगे तो अलग स्ट्रेट लाइन मिलेगी मेरे को, इसलिए सारे केस डिस्टिंक्टली काउंट होंगे। ऊपर से एक पॉइंट 10C1, नीचे से एक पॉइंट 5C1। ओके, तीसरा केस, ऊपर से कोई पॉइंट नहीं लेना, नीचे से ही लेना दोनों पॉइंट, पर दोनों पॉइंट जब भी नीचे से छाटोगे तो मेरे पास हर बार सिर्फ एक ही मिलेगी मेरे को, 5C2 नहीं करोगे, क्योंकि ऑल द टाइम आपको सिर्फ एक ही ट्राइंगल, एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 45, 50, 196, सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो दो सेट में डिवाइड कर लिया, जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ बोल लेते हैं अपन, 10 बॉयज़ 5 गर्ल्स, दो बच्चों की टीम बनानी है, तो कितने केस हो सकते हैं अपने पास डिफरेंट, उसी तरह से सोचा है। और अगर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करूँ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होंगी, तो ट्राइंगल्स के लिए मैं तीन पॉइंट छाटने, ए सेट से 3, बी से 0, 2, 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 0, यहाँ से 3। तो इस केस में बस आंसर आएगा 10C3। कितने भी तरीके से छाटो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई भी दो तीन पॉइंट वहाँ पे कोलिनियर नहीं है। ऊपर से 2, 10C2, नीचे से 1, 5C1, हर बार ट्राइंगल बनेगी, 45 × 5 = 225। ओके, ऊपर से 10C1, नीचे से 2, यहाँ से भी ट्राइंगल बन जाएगी। किस तरह की, देखो ऐसी ट्राइंगल बन सकती है ना, नीचे से दो पॉइंट छाटे, ऊपर से एक पॉइंट, तो ये हो गया मेरे पास कितना, 100। और नीचे से तीन पॉइंट छाटने से कोई ट्राइंगल मिलेगी नहीं अपने को, तो टोटल कितना केस हो गया, सबको जोड़ दोगे, 445। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन कर लो इसी टाइप के, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन डालते हैं। मान लो
मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान से देखना आपको, और इसके डायगोनल्स को भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 फोर पॉइंट्स, फोर पॉइंट्स, फोर पॉइंट्स, ध्यान से देखना पूरा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमने बोगस केस को हटाने का या सिर्फ ओनली करेक्ट केस काउंट करने के दो तरीके देखे थे पिछले सवाल के अंदर, तो दोनों अच्छे से आने चाहिए अपने को। अगर डाउट है तो वापस वीडियो को सेक्शन देख सकते हो, क्वेश्चंस को लगा सकते हो, उसके बाद हम अगर आगे की स्थिति पे आप ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए, एक सेंटर में ले लेता हूँ, तो ये कंडीशन दिखा देता हूँ, नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर एक्सेप्ट द शोन वंस, ठीक है। दिखाए गए पॉइंट्स के अलावा और कोई तीन कोलिनियर नहीं है, अपनी मर्जी से ऐसे नहीं बोल देना कि भाई ये तो देख रहे हो ना आप, ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो दिखाया, जिनको एक लाइन में दिखाया उन्हीं को एक लाइन में मानना है, और कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स काउंट करनी है आपको बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो सबसे पहले बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स देख लो कितने हैं, 4 4 16, तो ये हो गए मेरे पास, ठीक है, और 4 4 8, ये हो गए मेरे पास 24, 4 कॉर्नर 28 और 1 29, 29 पॉइंट्स टोटल हो गए ना, 4 4 4 16 ये हो गए और 8 ये हो गए हमारे पास, और 4 कॉर्नर 1 सेंटर, 5 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, टोटल हमारे पास कितने हो गए 29 पॉइंट्स। तो सीधा लिख सकता था 29C2, ध्यान से देखना, माइनस माइनस कौन से वाले केस, ये 6 पॉइंट में से आप कोई भी दो पॉइंट अगर छाटते तो हर बार आप एक लाइन मिलती, अगेन ये 6 पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट छाट तब भी आपको सेम लाइन मिलती। अब यहाँ पे इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि यार आपने तो ये पॉइंट ऊपर भी है ये पॉइंट नीचे भी है तो रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पॉइंट छाटते तो बचा हुआ दूसरा पॉइंट इन पाँचों में से कोई आएगा, और यहाँ पे पॉइंट छाटते तो बचा हुआ दूसरा पॉइंट इन पाँचों में से कोई आएगा। और ये बात अपने को पता है, जब हम दो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो मेंबर्स को छाटते तो एक भी मेंबर अगर अलग है तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट माना जाएगा, तो कोई केस रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये 6 केस, अगेन ये 6 केस, ये 6 केस, ये सब में अगर आप दो पॉइंट छाटो तो हर बार आपको एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो मेरे को ये सारे केस हटा देता हूँ और हर बार मेरे को कितनी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सिर्फ 4, ठीक है। अगेन और कौन से कोलिनियर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये 7 पॉइंट एंड ये 7 पॉइंट डायगनल के ऊपर, दो डायगनल, ठीक है ना। तो इनमें भी देख रहे हो आप, दो दो के मेंबर डिफरेंट डिफरेंट सेट रहे हैं पर उनसे लाइन तो एक ही बन रही है ना, इसलिए 7C2 × 2, दो केस थे इसलिए 7C2 × 2 सेपरेट कर दिया और +2 2 ऐड कर दिया, क्योंकि दो लाइन तो बनी रही है। और ये देख लेना, अगर ये बोला जाए कि सवाल के अंदर साइड्स और डायगनल के अलावा बोल बतानी है लाइन, तो फिर मैं ये 4 और ये 2 को नहीं ऐड करूँगा, सीधे सीधे सबट्रैक्ट करते जाऊँगा, वो बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास किसका केस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछूँ तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगेन टोटल पॉइंट 29C3 माइनस कोलिनियर कॉम्बिनेशन 6C3 × 4 माइनस 7C3, यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता कोलिनियर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तो बन जाएगी पर ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है, 7C3 × 2 दो कॉम्बिनेशन है, ओके। तो इस क्वेश्चन का अलग अलग तरह से वेरिएशन बनाया जा सकता है, एक पेंटागन भी बनाया जा सकता है, ट्राइंगल पे भी डिफरेंट पॉइंट दे सकता है आपको। तो आपको करना क्या, टोटल माइनस कोलिनियर कॉम्बिनेशन करते जाओ और स्ट्रेट लाइन अगर काउंट करनी है तो +1 ऐड करो, अगर न्यू सारी स्ट्रेट लाइन काउंट करवा रहा है, और ट्राइंगल केस में कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ती नहीं है, कोलिनियर कॉम्बिनेशन ट्राइंगल जनरेट नहीं होती है, ओके।
तो चलिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बताता हूं आपको, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। अभी कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या चीज है भाई? अब कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसी चीज है कि इसके बाउंड्री के बाहर बाहर अगर आप हैंड मूव करोगे तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? प्रोटेटेड आउटवर्ड, ठीक है ना, बाहर की तरफ से उभरा हुआ होता है। तो सारी चीज़ें बाहर से उभरी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके सारे इंटरनल एंगल्स 180 छोटे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेसर देन 180 डिग्री। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, और एक एलिमेंट्री डेफिनेशन मैंने बताई थी, कॉन्वेक्स फील देगा अगर आप बाहर से हाथ मूव करोगे। दूसरा ये भी समझ सकते हो, इसका कोई भी डायगनल, अब डायगनल का मतलब समझ लें, एडजेसेंट पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो ये कहलाती है अपनी साइड, ठीक है ना। और नॉन एडजेसेंट जैसे कि ये सब क्या है? डायगनल्स। देख पा रहे हैं आप, ये सब क्या है अपने? डायगनल्स, ओके, ये सब डायगनल्स हैं। नॉन एडजेसेंट कनेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? डायगनल्स, ठीक है। अभी तक अपन क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब में डायगनल देख रहे थे तो वो ईजिली दिख पाता था, लेकिन पेंटागन, हेक्सागन वगैरह इन सब में डायगनल का मतलब सिंपल है, नॉन एडजेसेंट कनेक्शन, ठीक है। इस बात को आप गांठ बांध लें, नॉन एडजेसेंट कनेक्शन और कुछ नहीं है, सिर्फ नॉन एडजेसेंट कनेक्शन। एडजेसेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो साइड बन जाती है, नॉन एडजेसेंट को कनेक्ट करते तो डायगनल बन जाता है। तो आप देख पा रहे कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर ऑल डायगनल लाई इनसाइड द, ऑल डायगनल लाई इनसाइड द पॉलीगन, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ तो कॉनकेव का मतलब कहीं ना कहीं से अंदर घुस जाना चाहिए हाथ, तो ये कॉनकेव हो गया। ये इंटरनल एंगल 180 से बड़ा है और एक डायगनल इसका बाहर है, देख पा रहे हो, ये वाला डायगनल मेरे पास बाहर है। तो ये किस तरह का केस है? कॉनकेव है। तो हम इस तरह के पॉलीगन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम किस तरह पॉलीगन की बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स। तो अब आपके दिमाग में कॉन्वेक्स पॉलीगन का टर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मेरे को एक्चुअल में काउंट क्या करना है? डायगनल। अब देखो बच्चों, डायगनल काउंट करने के लिए आपके पास मान लो एन साइडेड पॉलीगन है, कितना साइड का? एन साइडेड पॉलीगन, समझे आप? तो आपके पास एन पॉइंट्स है, सिंपल सा केस है, एन पॉइंट्स और कोई भी तीन उसमें कोलिनियर नहीं है, है ना, हर दो से अलग अलग साइड जनरेट होती है, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर, ठीक है, उनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है। तो फिर टोटल कनेक्शंस की जहाँ तक बात करें तो कितने बनते हैं मेरे पास? NC2। तो देखिए इसमें NC2 टोटल कनेक्शन है, तो इसमें मेरे पास एडजेसेंट कनेक्शन भी है जिसको आप क्या बोलते हैं? साइड। तो वो ऑब्वियसली बात है, एन साइडेड पॉलीगन है, एन वर्टिसेस है तो एन साइड होगी। बचे हुए मेरे पास कौन से कनेक्शन? नॉन एडजेसेंट, तो वो हो गए अपने सारे सारे कौन? डायगनल्स। तो नंबर ऑफ डायगनल्स आई गेस आप समझ पा रहे हो कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डायगनल्स ये क्या हो जाएगा मेरे पास? टोटल NC2 माइनस N, इजी। टोटल नंबर ऑफ साइड कनेक्शन माइनस नंबर ऑफ साइड्स, इसका फॉर्मूला भी लोग याद कर लेते हैं पर वो सब करने की अपने को इतनी खास नीड है, लॉजिक से समझिए। और सिर्फ ये क्वेश्चन, ये जो चीज़ अपने पास सिर्फ डायगनल्स के लिए ही काम नहीं आती, दिमाग में रखिएगा एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट कनेक्शन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ एडवांस में, जेई एडवांस के अंदर, के एक सर्कल के ऊपर अपने मान लो एन पॉइंट्स डाल दिए या 10 पॉइंट्स डाल दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
अब हर एक पॉइंट को बाकी सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब सारे कनेक्शंस कर रहे हैं अपन। अगर एडजेसेंट कनेक्शन करोगे तो उस कनेक्शन को बोला जाएगा ब्लू, ठीक है, और नॉन एडजेसेंट कनेक्शन करोगे तो उसको करा जाएगा रेड, जैसे कि ये रेड। तो बोल रहा था नंबर ऑफ रेड लाइंस और नंबर ऑफ ब्लू लाइंस कितनी होंगी। तो ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस जो कि एडजेसेंट कनेक्शन है, तो सिंपली वो किसकी बात कर रहा है, साइड्स की, एनी होंगी। अगर 10 पॉइंट्स है तो 10 कनेक्शन हो जाएंगे। नंबर ऑफ रेड लाइन दैट इज नॉन एडजेसेंट कनेक्शन, तो वो क्या होगा मेरे पास, एन सी टू से टोटल कनेक्शन माइनस साइड्स, तो दैट इज 10C2 माइनस 10, जो कि सिंपली हो जाता है मेरे पास 35। ठीक है, तो डायगनल का सिर्फ नाम ले रहा हूँ, बाकी आप ध्यान रखें नॉन एडजेसेंट और एडजेसेंट कनेक्शंस की बात हुई है यहाँ पे। तो इस तरह की लैंग्वेज मिक्स करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस और करो, और चीज़ें ऐड करेंगे ज्योमेट्री के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो देख लिए, पर सेम एनालॉजी लगा के हम और भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वी हैव 15 स्ट्रेट लाइंस, हाउ मैनी 15 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, नो थ्री ऑफ विच आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट वर्ड का मतलब पता है आपको, ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो एक ही पॉइंट से गुजरती हो, जैसे कि ये तीनों कॉन्करेंट। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है यहाँ पे। एंड नो टू ऑफ विच आर पैरेलल। तो दोनों कंडीशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या निकालते हैं आप, पैरेलल तो है नहीं, इसका मतलब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन उठाओगे तो काटेंगे जरूर, दे वुड इंटरसेक्ट। एंड फर्दर से कि भाई कि उनमें से कोई भी तीन कॉन्करेंट नहीं है, इसका मतलब हर दो से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। तो मैं आपसे पूछूं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे, तो वो मेरे पास कितने बनने वाले हैं। सीधे सीधे बोल देता हूँ 15C2, आसान सी बात है, ठीक है ना। कोई भी दो लाइन उठाओ, इंटरसेक्ट करवाओ, एक पॉइंट मिलता जाएगा आपको। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए मेरे पास, 15C2, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ऐड करता हूँ, अब थोड़ा सा कर लेते इसके अंदर लेस से। इफ आई से फाइव ऑफ देम आर कॉन्करेंट, ठीक है, उनमें से कोई पर्टिकुलर पांच वो कॉन्करेंट है, बाकी सब नॉन कॉन्करेंट है। एम आर कॉन्करेंट एंड नो टू ऑफ देम आर पैरेलल, मतलब सब काट तो रही है, तो फिर आंसर क्या आएगा, अगेन 15C2 टोटल कनेक्शन, लेकिन उन पांचों में से कोई भी दो लाइन उठाओगे तो पॉइंट तो हर बार एक ही मिलेगा, क्योंकि पांचों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो 5C2 सारे कॉम्बिनेशन हटा के एक ऐड कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट तो अपने को मिल ही रहा है इंटरसेक्शन का उन पांचों से, ठीक है ना। वही सेम लैंग्वेज है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्राइंगल में जैसे कर रहे थे अपन, बस थोड़ा सा उनकी जो ज्योमेट्री है उसका स्पेसिफिक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो। अब मैं आपसे बोल दूँ फाइव ऑफ देन आर कॉन्करेंट एंड थ्री अदर आर पैरेलल, तो फिर घटना क्या हो जाएगी अपने साथ, सिंपल सी बात, 15C2 से टोटल केस लिए, उन पांचों से जो कि कॉन्करेंट एक ही पॉइंट मिलेगा ये कर दिया, लेकिन इन तीन तो पैरेलल हो गई, तो इनसे तो कुछ मिलने वाला था ही नहीं, तो इनके केस सीधे सीधे सबट्रैक्ट कर दिए। देखो ये कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो सीधे सीधे उनके केस सबट्रैक्ट कर दिए। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ सर्कल्स के केस में, ठीक है, देर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन
no three of them are collinear. ध्यान रखिएगा आपको सर्कल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, तीन, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है. कोई भी जनरल सर्कल अगर बनाना तो नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर एंड नो फोर ऑफ देम आर कॉनसाइक्लिक. कॉनसाइक्लिक वर्ड का मतलब सब जानते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सर्कल पर लाई करते हो, मतलब कोई भी चार एक ही सर्कल पे नहीं है. तो इस बात का मतलब ये निकलता है आप कोई भी तीन पॉइंट उठाओगे तो हर बार आपको एक अलग सर्कल मिलेगा. ऐसा नहीं कि आपके पास मान लो पांच पॉइंट या चार पॉइंट एक ही सर्कल पे आ जाते तो फिर क्या करते आप, वहाँ से कोई भी तीन पॉइंट छाटोगे तो हर बार सर्कल तो एक ही मिलना है. इन चारों में से किसी भी तीन पॉइंट को अगर छाटते, चाहे ये छाटो तो भी ये सर्कल मिलेगा, इन तीनों को छाटो तो भी ये सर्कल मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो मेरे को काउंट करना है नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होंगे पासिंग थ्रू देम. ठीक है, यूनिक सर्कल्स निकालने पासिंग थ्रू देम. तब देखिए सर्कल खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए बच्चों अपने को, तीन. तो 15 सीधी सीधे सीधे आंसर हो गया. अब इसमें कंडीशन अटैच करता हूं मैं, फाइव ऑफ देम आर कोलिनियर एंड फाइव अदर आर कॉनसाइक्लिक एंड रेस्ट फाइव आइडियल केस. मतलब कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, कोई भी चार कॉनसाइक्लिक नहीं है, उस तरह की कंडीशन. तो फिर नंबर ऑफ सर्कल्स कितने बनेंगे मेरे पास, अगेन 15 सीसी टोटल. अब जहाँ तक इन कोलिनियर वालों की बात है, यहाँ से कुछ भी छाटोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो सारे केस हटा दो. और पांच क्या कॉनसाइक्लिक, मतलब वहाँ से कोई भी तीन पॉइंट छाटोगे तो अलग सर्कल मिलना चाहिए था पर मिलेगा नहीं, हर बार सेम सर्कल. तो उनके सारे कॉम्बिनेशन हटा दिए और एक ऐड कर दिया, क्योंकि वो सब क्या है, कॉनसाइक्लिक है, तो एक सर्कल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उसका नाम का एक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है. ठीक है, तो आई होप काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई ये चीज़ें. ठीक है, एक छोटा सा एप्लीकेशन और देख लें. मान लीजिए मेरे पास एम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ये हैं, एम पैरेलल लाइंस, देन ये भी पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, कितनी एन पैरेलल लाइंस, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बताओ कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स. पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे कैसे चाहिए, दो पैरेलल लाइन ऐसे चाहिए, दो पैरेलल लाइन ऐसे चाहिए, तो आपके पास बन जाएगा पैरेललोग्राम. सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकता हूँ, MC2. तो इस चीज़ का यूज़ करके चेस बोर्ड पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि चेस बोर्ड भी क्या है, नाइन पैरेलल लाइन ऐसे हैं और नाइन वर्टिकल पैरेलल लाइंस हैं, तो रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, 9C2 × 9C2. स्क्वायर भी पूछ सकता है, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे काउंट करना है. बस स्क्वायर में ध्यान रखना होता है अपने पास, जो साइड लेंथ यहाँ पे वही साइड लेंथ यहाँ पे. तो जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कितने गैप से सेलेक्ट करना है. तो क्वेश्चन को ट्राई करोगे, अदरवाइज हम लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे चेस बोर्ड से रिलेटेड, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस लगाओ और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर ख़त्म करेंगे, पर पहले क्वेश्चंस लगाओ. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कर रहा हूँ उसके थ्रू हम एक बहुत शानदार टॉपिक डेवलप करेंगे, नॉन कॉन्जुगेटिव सिलेक्शन इन ए सर्कल. नॉन कॉन्जुगेटिव सिलेक्शन आप रो में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, स्पेशल सिलेक्शन के टाइम पे आपको बताया था. ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा, हाउ मैनी ट्राइंगल्स, हाउ मैनी ट्राइंगल्स
are possible using vertices of an octagon. ठीक है ना, ऑक्टागन पता है अपने 8 साइड का होता है. सच दैट द ट्राइंगल एंड द ऑक्टागन डू नॉट हैव एनी कॉमन साइड. ये बड़ा पेच हो गया इसका, है ना, हैव एनी कॉमन साइड. तो कहने का तात्पर्य ये है, ऑक्टागन बना देता हूँ आपके लिए पहले. सबसे पहले ये देखो समझने के लिए कि मैं किस तरह के केस की बात कर रहा हूँ और किस तरह के केस की बात नहीं कर रहा हूँ. तो वैलिड केस एंड बोगस केस आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले. तो ये अपने हो गए सुंदर सुंदर 8 वर्टिसेस ऑक्टागन के. ठीक है, तो आपको ट्राइंगल बनानी है. ठीक है, अगर ट्राइंगल बनानी है तो ऑक्टागन की साइड तो ले नहीं सकते, तो आप इसी तरह से ही बनाओगे. देख लो आप एक तरह से क्या कर रहे हो, 8 पॉइंट सर्कल में पड़े हुए हैं. ठीक है, सर्कल में शो किया जा सकते हैं इनको. एंड आपको नॉन कॉन्जिगेटिव सिलेक्शन करना तीन चीज़ों का. तो हाल फिलहाल इसको मैं ऑर्डिनरी तरीके से करूँगा सबसे पहले. तो ये मेरी वैलिड ट्राइंगल है. ठीक है, बोगस ट्राइंगल क्या होगी, अलग डायग्राम में दिखाते हैं. ये मैंने बना दिया अपना ऑक्टागन. ठीक है, रेगुलर की बात तो मैंने करी भी नहीं है, तो आड़ा तिरछा चलेगा. ठीक है, समझने में फोकस करना है. तो ये एक होगी अपनी बोगस ट्राइंगल. कितनी साइड कॉमन दिख रही है बच्चों इसमें, 1 साइड कॉमन दिख रही है, इसलिए ये बोगस हो गया. और दूसरा केस, दो साइड कॉमन वाला भी हो सकता है कि नहीं. ये अपने हो गए ऑक्टागन के 8 पॉइंट. तो फिर दो साइड कॉमन करोगे तो आप ऐसे ही कर सकते हो, तीनों पॉइंट लगातार छाट लो. तो ये भी एक बोगस केस है जिसमें दो साइड कॉमन चल रही है अपनी. तीनों साइड कॉमन तो हो ही नहीं सकती, फैल जाएगा ट्राइंगल, ट्राइंगल ही नहीं बना पाओगे. तो मेनली हम जो टोटल केस बोलते हैं आपको, कैसे भी बनाओ ट्राइंगल, जो टोटल केस विदाउट एनी कंडीशन, वो कितना होता है मेरे पास, 8C3. सो 8C3 ये बेसिकली फर्स्ट केस. मान लेते इस केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगी, एक्स, यहाँ पर बनेंगी वाई और यहाँ पर बनेंगी जेड. ठीक है, तो ये 8C3 मेरे पास बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल सम होगा, क्योंकि यही तीन तरह के केस बन सकते हैं. या तो एक साइड कॉमन होगी, या दो साइड कॉमन होगी, या कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तीनों साइड कॉमन हो नहीं सकती. ये आप देख पा रहे हैं ज्योमेट्री सीधा सीधा. तो मेरे को निकालना क्या है, वैलिड केस जो कि x है. सो x का आंसर क्या आएगा मेरे पास, 8C3 माइनस वाई माइनस जेड. अब y और z को काउंट करते हैं तसल्ली के साथ, ध्यान से देखिएगा. एक साइड कॉमन कर दिया अपने को ना, तो ये मेरा ऑक्टागन है. जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से समझो इस सवाल को, इम्पोर्टेंट है. तो ये मेरे पास हो गया टोटल 8 पॉइंट्स का कलेक्शन. ठीक है, एक साइड कॉमन करनी है तो आप कोई भी एक साइड उठा लो. पहले मान लो मैंने ये साइड उठा ली. सबसे पहले आपने क्या किया, एक साइड उठाई 8C1 तरीके से. अब जैसे ही साइड फिक्स करोगे, दो वर्टिसेस आप ऑलरेडी छाट चुके हो, तो आपको जस्ट एक वर्टेक्स और छाटना है जिससे ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए. तो ऑब्वियसली बात है, मैं एक साइड कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों केस तो नहीं ले सकता, नहीं तो दो साइड कॉमन हो जाएंगे. अब इन चारों में से आप कोई भी उठा लो, आपकी एक साइड कॉमन वाली ट्राइंगल बन जाएगी. दिख रहा है साफ साफ कितनी ट्राइंगल दिख रही है आपको, चार ट्राइंगल दिख रही है. तो चार चॉइस से कोई भी एक पॉइंट उठा सकते हो इंटू 4C1. तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास बच्चों, 32. ठीक है, z का मतलब दो साइड कॉमन, तो दो साइड कॉमन छाटना बहुत आसान है, यहीं पे कर देता हूँ. तो देखो दोनों साइड कॉमन है, तो आपको पता है तीनों वर्टेक्स आप कैसे छाटना है.
सक्सेशन में छांटने पड़ेंगे, या तो ये दोनों ये ट्राइंगल बन जाएगी, या फिर ये 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 या फिर ये। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जेड का वैल्यू आ गया अपने पास 8। तो आंसर क्या हो गया, 8C3 का वैल्यू 8 7 6 अपॉन 6 56 -32 -8 विच इज 16। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आसानी से कर लिया अपन ने, टोटल माइनस वन साइड कॉमन देन टू साइड कॉमन। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोल देता 15 साइड का पॉलीगन है, ठीक है, सेम कंडीशन के साथ 15 साइड पॉलीगन, एंड आपको निकालना है इसमें से हेक्सागन, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने ट्रायंगल निकाली वैसे यहाँ पे हेक्सागन निकालना है, 9 साइड कॉमन, वही सेम पॉलीगन और हेक्सागन के बीच में कोई साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप यही सेम तरीका लगाओगे क्या, टोटल माइनस वन साइड कॉमन, टू साइड कॉमन, थ्री साइड कॉमन, फोर साइड, पागल हो जाएंगे काउंट करते करते। डेफिनेटली मेरे को टेक्निक बनानी पड़ेगी। तो इसी टेक्निक का नाम क्या है, नॉन कॉन्जिगेटिव सिलेक्शन, इन ए सर्कल। समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल वाले केस में इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि अपना आंसर वेरीफाई कर पाए आराम से। तो बालको हमारे पास एक सर्कल है, उसमें 8 पॉइंट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तीन नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट छाटने, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक पॉइंट छाट लेता हूँ। छाट लिया आपने 8C1 से, जैसे ये पॉइंट छाटूंगा तो उसके आजू बाजू वाले पॉइंट तो गए कि नॉन एडजेसेंट कलेक्शन करना है, नॉन कॉन्जिगेटिव सिलेक्शन करना है अपने को। अब बचे कितने मेरे पास पॉइंट, 5। यहाँ से मेरे को 2 छाटने हैं, मतलब 2 पे टिक मार्क लगाना है, 3 नहीं छाटने। याद करो नॉन कॉन्जिगेटिव सिलेक्शन रो में कैसे किया था, कितना नहीं छाटने अपने को, 3। तो 3 क्रॉस के बीच में गैप लगा देंगे टिक मार्क की सीक्वेंस के देख लिए, ठीक है। वापिस जाके देख सकते हो स्पेशल सिलेक्शन के अंदर किया हुआ है नॉन कॉन्जिगेटिव सिलेक्शन रो के अंदर कैसे करते हैं। तो 3 टिक मार्क और 3 क्रॉस और 2 टिक मार्क को अरेंज करना है सच दैट ये दोनों वाई गैप में जाए, एडसेंट ना हो। तो 4C2 आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे तो आंसर भैया 48 हो रहा है ना, आंसर क्या 16, तो 3 से डिवाइड कर दूँ क्या, पर करें क्यों, वो इसलिए कि अगर मान लो आपने नॉन कॉन्जिगेटिव छाटते हुए ये दोनों पॉइंट छाट लिए और ट्राइंगल बन गई ये वाली। अब ध्यान से देखना, इट्स 8C1 का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, तो कोई भी पॉइंट छाट सकता है ना। जब आपने 8C1 से ये वाला पॉइंट छाटा होगा तब भी ये ट्राइंगल बनेगी, है कि नहीं। और 8C1 में अगर ये वाला पॉइंट छट गया तो भी ये ट्राइंगल बनेगी, ये वाला पॉइंट छट गया तो भी ये ट्राइंगल बनेगी। इसका मतलब हर एक केस 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एक्चुअल नंबर केस काउंट करने के लिए मेरे को भी 3 से डिवाइड कर देना चाहिए, 3 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 16, ठीक है। मजा आया। तो इसको अब अपन 15 पॉइंट पर लगाने वाले हैं, ठीक है ना, हेक्सागन निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिए, ये अपना हो गया सर्कल, इसके ऊपर 15 पॉइंट डाल दो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। सबसे पहले एक पॉइंट निकाल लिया, कितने तरीके से, 15C1, आजू बाजू वाले पॉइंट रिजेक्ट हो गए। बचे मेरे पास कितने, यहाँ से कितने पॉइंट बचे, बच रहा टोटल पॉइंट, एक छाट लिया दो निकाल दिए, बचे कितने, 12 पॉइंट्स, जिनमें से मेरे को 5 छाटने हैं हेक्सागन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी तक एक ही पॉइंट छाटा, तो कितने नहीं छाटने, 7। तो 5 टिक है और 7 क्रॉस है कि नहीं, और कोई भी 2 टिक मार्क एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो अगेन गैप कितने हो गए अपने पास, सर्कल बंद हो चुका, अभी सीधे सीधे क्यू बनी हुई है अपने पास, लाइन बनी हुई गोल गोल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए।
ठीक है, तो इसको 8 में से कितने गैप चाहिए मेरे को, 5, सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने हेक्सागन ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 5 6, अब 15C1 का मतलब क्या है, 15 में से कोई भी एक पॉइंट, अगर ये वाला छाटा तो भी हेक्सागन बनेगा, ये छाटो तो भी ये बनेगा, ये छाटो तो भी बनेगा, ये छाटो तो भी बनेगा, ये भी बनेगा इस केस में। तो हर एक हेक्सागन 6 बार रिपीट हो रहा है मेरे पास, इसलिए मैं क्या करूँगा फाइनल आंसर के लिए 6 से डिवाइड। ठीक है, 15 पॉइंट छाटे, आजू बाजू रिजल्ट किया, बचे 12 पॉइंट, उसमें से 5 छाटने और 7 नहीं छाटने। ठीक है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन कर रहा हूँ, गैप कितने बने, 8, 8 में से 5 पॉइंट छाट लिए, 5 गैप छाट लिए टिक मार्क को डालने के लिए बीच में, और हर एक हेक्सागन इस तरीके से छाटते तो 6 बार रिपीट करता है, इस तरह से अपने पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन रो में भी सीख लिए, सर्कल में भी सीख लिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिया यहाँ तक। सिलेक्शन की सारी टेक्निक आप सीख चुके हैं, अरेंजमेंट टेक्निक सीख चुके हैं, कुछ और एप्लीकेशंस की बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ऑल द बेस्ट।